उत्तर प्रदेश हो या देश विदेश, लाइफस्टाइल हो या मनोरंजन जगत, हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें हमारे मोबाइल ऐप अलाइव 24 न्यूज को। तो आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। पूरा देश देख रहा है भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास, उसकी शुरुआत, भूमि पूजन की कार्यवाही कल 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में होगी। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, उत्तर प्रदेश की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा एक विशेष वक्तव्य, एक विशेष बयान जारी किया जा रहा है। मैं आपको वो बयान पढ़कर बता रहा हूं। दुनिया और भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति में रामायण की गहरी और अमिट छाप है। भगवान राम, माता सीता और रामायण की गाथा हजारों वर्षों से हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक स्मृतियों में प्रकाश पुंज की तरह आलोकित है। भारतीय मनीषा रामायण के प्रसंगों से धर्म, नीति, कर्तव्य परायणता, त्याग, उदारता, प्रेम, पराक्रम और सेवा की प्रेरणा पाती रही है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक राम कथा अनेकों रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त करती चली आ रही है। श्री हरि के अनगिनत रूपों की तरह ही राम कथा, हरि कथा अनंता है। युग युगांतर से भगवान राम का चरित्र भारतीय भूभाग में मानवता को जोड़ने का सूत्र रहा है। भगवान राम आश्रय हैं और त्याग भी। राम सबरी के भी हैं और सुग्रीव के भी। राम वाल्मीकि के भी हैं और भास के भी। राम कम्बन के भी हैं और येशु तच्छन के भी। राम कबीर के हैं, तुलसीदास के हैं, रैदास के हैं। सबके दाता राम हैं। गांधी के रघुपति राघव राजा राम सबको सम्मति देने वाले हैं। वारिस अली शाह तो कहते हैं जो रब है वही राम है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त राम को निर्बल का बल कहते हैं। तो महाप्राण निराला कोट वह एक और मन रहा राम को जो न थका, कि कालजयी पंक्तियों से भगवान राम को शक्ति की मौलिक कल्पना कहते हैं। राम साहस हैं, राम संगम हैं, राम संयम हैं, राम सहयोगी हैं, राम सबके हैं। भगवान राम सबका कल्याण चाहते हैं, इसीलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आगे प्रियंका जी ने कहा, आगामी 5 अगस्त 2020 को रामलल्ला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है, यानी कल। भगवान राम की कृपा से यह कार्यक्रम उनके संदेश को प्रसारित करने वाला राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का कार्यक्रम बने। जय सिया राम, प्रियंका गांधी वाड्रा। इसकी एक प्रतिलिपि हम आपको बहुत जल्द लोकेश जी के माध्यम से दे देंगे। धन्यवाद। सर, एक सवाल थोड़ा सा। जी जी, जरूर। मैंने सोचा सर, ये जो सियासी संकट चल रहा है पूरा, क्या राजस्थान की सियासी संकट को लेकर के ये जो बागी हैं उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं या प्रयास जारी है कांग्रेस के? आदरणीय मित्र, ये कल भी हमने जवाब दिया और कहा के सबसे पहले वो वार्तालाप करें, और उसको करने के लिए पहली शर्त है कि भारतीय जनता पार्टी की आवभगत मेहमान नवाजी छोड़ें, मनोहर लाल खट्टर जी की भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार का सुरक्षा चक्र छोड़ें। हरियाणा में तो आए दिन बच्चों की, मासूम बच्चों की हत्या हो रही है,
उसके लिए तो पुलिस उपलब्ध नहीं। गैंग रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लोगों को गुड़गांवा में सरेराह पीटा जा रहा है, उसके लिए पुलिस उपलब्ध नहीं। परंतु इन 19 विधायकों की सुरक्षा के लिए सैकड़ों हजारों 1000 के करीब पुलिस कर्मी जो लगाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी हर कांग्रेस पार्टी के नाराज विधायकों को जो सुरक्षा दे रही है उसके क्या मायने हैं? इसलिए पहले भाजपा की आवाभगत छोड़ें, पहले भारतीय जनता पार्टी से मित्रता तोड़ें, पहले भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ें, पहले भारतीय जनता पार्टी की मेहमान नवाजी छोड़ें, पहले भारतीय जनता पार्टी की पुलिस का सुरक्षा चक्कर तोड़े, वापस अपने घर वापसी करें, वार्तालाप तब हो पाएगा। धन्यवाद। स्वामी ने सवाल उठाया है लाल कृष्ण अडवाणी को नहीं बुलाने को लेकर, यहाँ तक कहा है कि राजीव गांधी की स्वर्गीय प्रधानमंत्री की इसमें भूमिका थी राम मंदिर निर्माण में। आदरणीय मित्र, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य एक दूसरे के बारे में क्या कह रहे हैं ये वो जाने। मुझे लगता है कि भगवान श्री राम और सीता माता की जो व्याख्या, भगवान श्री राम के आदर्शों और मर्यादाओं की जो व्याख्या श्रीमती प्रियंका गांधी वड्रा जी ने आज अपने इस स्पष्ट वक्तव्य में की है, इसके बाद व्यक्तियों को परस्पर कोई अगर छीटा कशी करता है तो ये वो जाने, क्योंकि राम तो सबके हैं। धर्म और मंदिर की बात हो रही है, क्या भाजपा राम नीति और राजनीति में धर्म का पालन कर रही है? आदरणीय मित्र, मैं आज राम मंदिर के निर्माण के बिल्कुल ठीक 24 घंटे पहले राजनीतिक टिप्पणी तो नहीं करूंगा, पर एक बात अवश्य कहूंगा, राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं, यही राम की मर्यादा है। नीतीश कुमार ने कहा है कि महाराष्ट्र में आपकी भी भागीदारी है सरकार की, सुशांत सिंह की मौत को लेकर के जितने भी बड़े अधिकारी वहां गए, आईपीएस तिवाड़ी गए, उनको सबको जबरदस्ती क्वारंटाइन किया जा रहा है, महाराष्ट्र सरकार सहयोग नहीं कर रही सुशांत सिंह की मौत पर। आदरणीय मित्र, इस देश का संविधान और कानून ये कहता है कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी प्रदेश की सरकार की है, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की अनुपालना की जिम्मेवारी महाराष्ट्र की सांझी सरकार की है, जिसके मुखिया उद्धव ठाकरे साहब हैं। नीतीश कुमार जी को संविधान दोबारा पढ़ना चाहिए। नीतीश कुमार जी या बिहार की सरकार जबरन पुलिस भेजकर मिशन यानी परिधि के अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकती। अगर एक प्रांत की पुलिस दूसरी प्रांत के अंदर जाकर जांच करेगी तो फिर अराजकता फैल जाएगी। हम भी जब गए, याद करिए, राजस्थान का उदाहरण देखिए, राजस्थान की एसओजी जब गई तो हमने हरियाणा पुलिस से कांटेक्ट किया। जिम्मेवारी है कि वो प्रदेश की पुलिस से कांटेक्ट करें, उनका सहयोग लें, ये नहीं कि कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा दें। ये अलग बात है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दुर्भावना से 19 विधायकों को रखे हुए है हरियाणा में, तो उन्होंने एसओजी की टीम को बार बार गैर कानूनी तरीके से रोक दिया। महाराष्ट्र में जो मुकदमा दर्ज है उसकी निष्पक्ष जांच होगी, सटीक जांच होगी और किसी दोषी को जाने नहीं दिया जाएगा। धन्यवाद। ये कहा जा रहा है होटल के भीतर से कि भाजपा के फोन आ रहे हैं विधायकों के पास, क्या ये सही है या केवल भ्रामक है? आदरणीय मित्र, भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान के 8 करोड़ लोगों द्वारा जनमत से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने और गिराने का षड्यंत्र आए दिन जारी है। भारतीय जनता पार्टी धन बल, बाहुबल, सत्ता बल के हर हथकंडे अपना रही है। उनकी अपनी बौखलाहट भी साफ है, क्योंकि उनका भानुमती का कुनबा भी चरमराकर आए दिन गिर रहा है। पर सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार और यहाँ के उनके पिछलग्गू नेतागण, जिन पर खुद आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, वो कितने भी षड्यंत्र और हथकंडे कर लें, वो राजस्थान के स्वाभिमान को हरा नहीं पाएंगे। अमित शाह जी, मोदी जी, राजस्थान के रणबांकुरों ने बार बार यहाँ हमलावरों को के दांत खट्टे किए हैं,
आप दोनों ने और भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की वीर माटी के ऊपर हमारी अस्मत और स्वाभिमान पर हमला बोला है। राजस्थान की जनता और राजस्थान के बहादुर विधायक एक बार फिर आपके दांत खट्टे कर देंगे। धन्यवाद। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।